गाइज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंड में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। गाइज मैं फिर आपके लिए आज एक नई खबर लेकर के आया हूं। वो नई खबर क्या है, वो खबर निकल करके आ रही है कि आपने जो इनकेसमेंट करते हैं छुट्टी का और जो एलटीसी करते हैं उसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल करके आई है। क्या है वो खबर, वो जानने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए कि इसमें जो ज्ञानवर्धक सूचनाएं दी जाती है वो सबके लिए फायदेमंद होती है, सबके वेलफेयर से रिलेटेड होती है। गाइज वो बड़ी खबर निकल करके क्या आई है, अब चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। जैसा आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है कि 1.5 लाख यानी कि 1,55,000 रुपए तक का नुकसान जो होने जा रहा है वो मिलेगा आर्मर्ड फोर्सेस के अफसर्स को और 60,000 रुपए का जो नुकसान होने जा रहा है वह जेसीओज ओआर को होने जा रहा है। जान लेते हैं क्या लेटर था वो जिसके बारे में यह जानकारी है। ये जो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पी एंड सर्विसेज का लेटर है जिसने की ट्रीटमेंट ऑफ एमएसपी एंड ग्रुप एक्स पे फॉर द पर्पज ऑफ लीव एनकेसमेंट एंड ग्रेजुएटी, यानी कि ये जो बता रहे हैं कि जो एमएसपी जो आपको मिलती है और जो ग्रुप एक्स पे की पेमेंट जो मिलती है उसको लीव इनकेसमेंट और ग्रेजुएटी के संबंध में यह लेटर दिया गया है। इसका क्लेरिफिकेशन पूछा गया था तो उसके बारे में यह जानकारी आई है। देखते हैं क्या है यह जानकारी। जैसे कि आपने सब्जेक्ट में देखा, इट अपीयर टू बी एट क्रॉस पर्पज इन एंश्योरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस पे बाय टू डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। ए प्रोसीजरल स्केलेबल बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कीपिंग एट बे द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीव एनकेसमेंट, यानी कि दो डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में कुछ एम्बिग्युटी थी, इसका क्लेरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंस से मांगा है। इसका जो मैं आपको क्लेरिफिकेशन देने जा रहा हूँ पीसीडीएफ पुणे की वेबसाइट से लिया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि नॉट इंक्लूड एमएसपी एज ए पार्ट ऑफ पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकेसमेंट फॉर 300 डेज एंड 10 डेज एलटीसी ये अलाउड ईच ईयर, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आपकी 300 दिन का इनकेसमेंट करते हैं और जो 10 डेज एलटीसी को हर साल आप क्लेम करते हैं उसके बारे में संबंध में यह क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि ये उसमें काउंट नहीं होगी। इसके और कुछ पॉइंट्स थे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक सोर्स ने बताया कि इसमें एटलीस्ट जो मॉनेटरी लॉस होने जा रहा है वो तकरीबन 1,40,000 रुपए का जो नुकसान होगा वो डिफेंस पर्सन को होने जा रहा है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं छठे पे कमीशन में एमएसपी को ट्रीट किया गया था एज ए पे फॉर ऑल पर्पज एक्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि इसको सभी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन इसमें एनुअल इंक्रीमेंट शामिल नहीं था। जबकि सातवें पे कमीशन में बताया गया कि एमएसपी वाज टू बी काउंटेड एज पे फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड पेंशन, यानी कि सातवें पे कमीशन में एमएसपी के ऊपर भी आपको डीए और पेंशन मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन पीसीडीए ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पीसीडीए ने भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से पूछा था। इस क्लेरिफिकेशन को डीईएसडब्ल्यू और डीओडी के बीच में भी कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा गया था। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि तकरीबन जो है आज की तारीख में 13.5 लाख लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा जो पेंशन जा चुके हैं या जिनको आने वाले फ्यूचर में ये मिलने वाला है। इसमें तकरीबन 1,55,000 रुपए का नुकसान होने जा रहा है वो पूरे अधिकारी रैंकों को होने जा रहा है और जो 60,000 रुपए का नुकसान है वो जेसीओ और ओआर को होने जा रहा है। गाइज जो छठे पे कमिश्नर भ्रांतियां थी उनको सातवें पे कमिश्नर में भी वैसा का वैसा ही रखा गया और उसका क्लेरिफिकेशन जो आपने इस लेटर के माध्यम से देखा वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आपको एलटीसी और लीव इनकेसमेंट के ऊपर एमएसपी और एक्स ग्रुप की पे को जोड़ करके जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा गाइज। तो गाइज इसी तरह की मैं आपके लिए खबरें लेकर के आता रहूंगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।